السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اوهب العربيه كتاب التلميذ ليفل 5. ان شاء الله today we are going to do third part of first chapter الفصول الاربعه. So let's start it. كوني جملا مستعملا الكلمات كما في المثالين. So you have to make the sentences and you have to use the words which are giving in the brackets and you have to see this sentence first. तो उन्होंने किस तरह करके दिया है? They have given the examples, two examples. مثالين कहते हैं example को. तो two examples को. الأول نهار الصيف summer's day जो गर्मियों का दिन होता है व winter's night. सॉरी विंटर्स डे नहारु शिता यानी सर्दियों का दिन और गर्मियों का दिन उन दोनों का बता रहे हैं. डिफ्रेंशिएट उसमें करें कि क्या डिफरेंस है उन दोनों में. तो नहारु सैफी अतवलु मिन नहार शिताई कि समर्स डे इज लॉन्गर देन द विंटर्स डे. आप क्या कह रहे हैं कि गर्मियों का दिन लंबा होता है, बहुत लंबा होता है. अतवलु बहुत लंबे यानी टॉल उसके तौर पर लॉन्गेस्ट के तौर पर लॉन्गेस्ट उन्होंने कहा है. लॉन्ग होता है तवीलुन, ब्रैकेट में लिखा है तवीलुन. तवीलुन मीन्स लॉन्ग, लंबा, बहुत लंबा, लॉन्गेस्ट यानी बहुत लंबा. तो वो अतवलु आ रहा है. अतवलु तवीलुन, अतवलु बईदुन, अब आदू दे हैव यूज्ड इन हियर. अब आदू अतवलु तो सरी उनको हम करेंगे असराउ. या सब में से हटा देने हमने और हमज़ा हमने स्टार्टिंग में लगा देना. यानी हमने तीन इसके अल्फाबेट्स लेने हैं. यू कैन सी इट इन हियर. We have to take three alphabets from this word. Word is tawilun, so we are going to take three words. Ta, waw, walam. Ya ko hum kar denge cut. To hum uska ya nahi istemal karenge aur hum kya karenge? Ta, waw, lam se pehle laga denge alif. To kya ho jayega? Atwalu. Tawilun atwalu. To atwalu means longest. तो नहार और सैफी हम पहले लिखेंगे बीच में अतवलु एंड देन वी आर गोइंग टू राइट मिन. अतवलु मिन इन एवरी सेंटेंस यू हैव टू राइट विद अतवल अब आद असरा ऑल द एडजेक्टिव्स यू हैव टू राइट मिन. किस से बड़ा है? मिन मीन्स से, फ्रॉम मिन मीन्स फ्रॉम, फ्रॉम द विंटर्स डे और फ्रॉम द कार नीचे लिखा हुआ फ्रॉम सैारा मीन सैारा. तो हम आगे देखते हैं. लेट्स सी. सो अल मदरसतु अन्नादी. अल मदरसतु अन्नादी नादी मीन्स क्लब. कोई सा भी हो सकता है, एक्सरसाइज क्लब हो सकता है या कोई और. अब वो तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाईदुन. बाईदुन मीन्स फार. तो हम कहेंगे बहुत दूर. तो किस तरह करेंगे? अल मदरसतु, अल मदरसतु, लुक एट हियर, अल मदरसतु अब आदू मिन नादी कि मदरसा बहुत दूर है क्लब से. अब आदू बहुत दूर है मिन नादी फ्रॉम द क्लब. अब यहाँ पर नीचे इन्होंने एग्जाम्पल जब हमें कहा है हमें सॉल्व करना, वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस. तो लेट्स स्टार्ट इट. असालिस थर्ड वन इज़ अल क़तारु औ अस्सय्यारतु. अल क़तार मीन्स ट्रेन, अस्सय्यारतु मीन्स आई एम रीडिंग दिस वन कार. सरीउन मीन्स फास्ट, फास्टर, फास्टर देन द ट्रेन इज़ फास्टर देन द कार. सो हाउ वी आर गोइंग टू से दिस इन अरबिक? अल क़तारु असरउ मिन अस्सय्यारति. तो आप लोग सारे अपनी कॉपी पे लिखें, मैं देखती हूँ कि आप लोग कैसे लिखते हैं. आप लोग खुद ही से देखेंगे, मैं नहीं देख सकती, लेकिन आप लोग देखें कि आपने ठीक लिखा है या नहीं. असराउ इस तरह, असराउ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट मिन. असराउ मिन सैयारती इस तरह. अलखदारू पहले लिखें देन यू आर गोइंग टू राइट असराउ मिन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इन द एंड अस्सय्यारतु. तो अलखदारू असराउ मिन सैयारती एंड बिकॉज ऑफ मिन, मिन क्योंकि प्रपोजिशन है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट जेर इन द एंड. तो सैारती के नीचे हम लोगों ने जेर क्यों लगाई है? मिन की वजह से. मिन की वजह से हमने जेर लगाई क्योंकि जब भी कोई प्रपोजिशन आता है अरबिक में, हमने पहले किया था, जब भी कोई प्रपोजिशन आएगा सो वी आर गोइंग टू पुट जेर जो नेक्स्ट वर्ड आएगा, नाउन आएगा उसके ऊपर. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. रॉबे फोर्थ वन अल सॉरी अल नॉट इख्तबारुल हिसाबी मैथ्स टेस्ट व इख्तबारुल उलूमी साइंस टेस्ट. अब मैथ्स टेस्ट एंड साइंस टेस्ट हम देखते हैं. सहलुन अल इख्तिबार सॉरी इख्तिबारुल हिसाबी असहलु मिन इख्तिबारुल उलूम. सहल बहुत सहल है, सहल मीन इजी, सो इट इज़ टू इजी. वह सहलुन जिद्दन, सहलुन के तीन वर्ड्स ही हैं. सो वी आर गोइंग अल्फाबेट है सॉरी. सो हमने यहाँ पे हमज़ा लगा दिया असहलु.
अलिफ सीन हालम। मिन असहल मिन अल इख्तिबारुल इख्तिबारुल हिसाबी असहलु मिन इख्तिबारुल उलूमी, कि मैथ्स टेस्ट इज ईजीएस्ट फ्रॉम द साइंस टेस्ट। ओके अल आन अल फीलु वल असदु, अब फील कहते हैं एलिफेंट को और असद कहते हैं लाइन को, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस। अकबर यहाँ पे लिखे कबीरुन अकबरुन मीन्स बिगर, तो अल फीलु अकबरु मिन अल असद, एलिफेंट इज बिगर देन द लाइन, तो अल फीलु अकबरु मिन अल लाइन मिन अल असद। बादहु असादिस النظارة والساعة، النظارة رخيص، النظارة means glasses والساعة means clock watch، النظارة أرخص من الساعة، glasses are cheaper from the ساعة means watch or clock more than from the آپ کہہ سکتے more than cheaper more than the clock اس طرح کر کے glasses are more cheaper than the clock इस तरह करके आप कर सकते हैं। From the नहीं more than। आगे महत्तुल कितार ट्रेन स्टेशन वल मितार, मतार means एयरपोर्ट, सो क्या कह रहे हैं अल महत्तुल कितारु अकरबु मिन अल मतारी, कि महत्तु अकरबु इट्स टू इजी टू राइट अलिफ काफ राबा अकरब वल अरखस नहु नक्तुब हकजा अरखस व अकरब, यह आपने हटा देना है कि ट्रेन स्टेशन इज मोर नियर देन द ट्रेन स्टेशन ओ सॉरी एयरपोर्ट देन द एयरपोर्ट। बाद अत्तलामीज़ु मीन्स स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स, व तिलमीज़ात मीन्स जो फेमिनिन स्टूडेंट्स हैं वो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जिक्र करें, तो कह रहे हैं अत्तलामीज़ु अक्सरु मिन तिलमीज़ाती, यानी बॉय स्टूडेंट्स आर मोर देन द गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है इस तरह करके। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 8, हाउ विल यू कम अप विद मिसालैन, नाउ यू हैव टू चेंज इट, जैसे कि टू एग्जांपल्स में दिया गया है, दे हैव गिवन इन द एग्जांपल्स, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन हेयर। अन्नहारु कसीरुन फिश्शिताई, फिश्शिताई यकूनु नहारु कसीरुन, अल्लैलु कसीरुन फिस्सैफी, फिस्सैफी यकूनु अल्लैलु कसीरुन। अब इसमें क्या बताया आपको, इसमें थोड़ी सी चीज़ें दिखनी है, पहले आप ध्यान में रख लें, यहाँ पे देखें पहले इन्होंने इस एक्सरसाइज में क्या किया, आपको एक वर्ड ऐड करना है, वर्ड जो ऐड करना है वो ऐड करना है यकूनु, और वो लिखना है मिड में, यकूनु लिखना है मिड में, मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप पहले इसको ध्यान में रखें, सिर्फ आपने यकूनु लिखना है और आपने क्या करना है इसको स्विच कर देनी है प्लेसेस। फिश्यता लिखा हुआ है एंड पे, आपने फिश्यता को पहले लिख देना है, यहाँ की बात करी आप इधर देखें और से जो फिशता लिखा है यू हैव टू राइट इट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इन द एंड यू हैव टू राइट नहारुल कसीर, तो आपको ये लिखना है एंड के ऊपर और इन दोनों के मिड में क्या आ जाएगा यकूनु। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह करके हुआ है, फिशता मैंने आपसे कहा था तो फिशता यहाँ पे आ गया, फिशता ई यकूनु नहारुन कसीरन, अब एंड के ऊपर एक चीज़ आपने क्या करनी है, नहारु जो लिखा हुआ है कसीरुन को आपने चेंज कर देना है कसीरन में, थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कसीरन कसीरुन, इस कसीरुन को भी कसीरन कर देना है, लेकिन आपने क्या करना है अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आप अपनी बुक्स पे देखिएगा, आप नोटबुक पे ज़रा लिखें इसको और फिर आप अपनी इस पर चेक करिएगा, हम आगे देखते हैं कि मैंने ठीक सॉल्व किया या नहीं किया। चलो मैं देखती हूँ फिर, तो इसमें पहले मैं क्या लिखूँगी, मैं आंसर ऊपर लिखती हूँ आप लोग देखें मैं ठीक लिख रही हूँ नहीं, फिसफी फिसफी यकूनु, यकूनु बहुत अच्छा नहीं लिखा गया बिल्कुल भी, यकूनु लैल यकूनु लैलु कसीरन। नाउ चेक दिस वन आउट कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि अब इसका मतलब क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, अन नहारु कसीरुन फिश्यता, कि दिन छोटा हो जाता है, द डे बिकम शॉर्टर इन द विंटर, दिन छोटा हो जाता है विंटर्स में,
अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, इसको टोटली स्विच कर दिया जगह को, तो उसको क्या कह दिया, फिश शिता ई इन विंटर सीजन द डे बिकम्स शॉर्ट, हो जाता है सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है। अब दिन छोटा होता है सर्दियों में, अल अव्वल अलान सालिस अल जऊ बारिदुन फिल फजरी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अल जऊ बारिदुन द वेदर इज कोल्ड इन फजर, कि जो मौसम है वो ठंडा है फजर में। अल जऊ बारिदुन के द वेदर बिकम कोल्ड फिल फजरी इन द फजर। अब इसको यकूनों का मतलब हम लोग कहते हैं बिकम, फिल फजरी इन द फजर यकूनु बिकम। अब वो क्या कह रहे हैं, अल जऊ बारिदन यकूनु अल जऊ बारिदन के इन फजर तो वेदर बिकम कोल्ड, बिकम आ जाता है उसके अंदर, तो इस वजह से हम इसको किस तरह लिखेंगे, फिल फजरी यकूनु अल जऊ बारिदन। इसी तरह अराबे अशारे ओ मुस्लिमुन फिल लैली द रोड इज डार्क इन द नाइट, तो इसको क्या कर देंगे, फिल लैली इन द नाइट, पहले क्या लिख देंगे, फिल लैली यकूनु शारे ओ अशारे ओ मुस्लिमन मुस्लिमन फिल लैली अशारे ओ फिल लैली यकूनु शारे ओ यकूनु अशारियो मुस्लिमन इन द नाइट टाइम, द रोड बिकम डार्क। प्रादहु खामिस अशम्सु हारतुन फिन नहारी द सन इज हॉट इन द डे टाइम, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, फिन नहारी इन द डे टाइम यकूनु शम्सु हारतुन, मैं बोल रही हूँ आप इसको लिख लें, फिल लैली सॉरी फिन नहारी यकूनु अशम्सु हारतन, हारतन के साथ लिखेंगे हारतन। बादहु असादिस अलहदाइकु जमीलतुन फिर रबी, ऐसा लिखा जाएगा फिर रबी के द गार्डन और कह सकते हैं गार्डन्स आर ब्यूटिफुल इन द स्प्रिंग सीजन और इन द स्प्रिंग, तो इसको किस तरह लिखेंगे, फिर रबी यकूनुल हदाइकु जमीलतन, जमीलतन इसी तरह जमीला ता के ऊपर इसी तरह दो ज़बर आ जाएगी जमीलतन। तैयब नाउ अर्रियाज़ियतु मुफीदतुन फिस सबाही, एक्सरसाइज इज़ गुड इन द मॉर्निंग और इट इज़ आप कर लो कि बेनिफिट होती है, बेनिफिशियल होती है इन द मॉर्निंग, तो इसको किस तरह लिखेंगे, फिस सबाही यकूनु रियाज़ियतु मुफीदतन तकूनु सॉरी तकूनु क्योंकि तामुदवरा इसलिए लिखेंगे तकूनु तकूनु रियाज़ियतु मुफीदतन। लास्ट वन अल किराअतु मुनासिबतुन फिल मसाई, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, फिल मसाई अल किराअतु मींस कि रीडिंग इज गुड और इन द नाइट टाइम और रात के टाइम, तो इसको कैसे लिखेंगे, फिल मसाई शाम के टाइम या रात के टाइम यकूनुल किराअतु तकूनुल तकूनुल किराअतु मुनासिबतन, फिल मसाई तकूनुल किराअतु मुनासिबतन। अब कुछ पूछेंगे तकून उन्होंने क्यों लिखा, यकूनु क्यों नहीं लिखा, तो इसका यह है कि जब आपको मैंने बताया जब भी किसी उसमें ता मुदवरा आएगा, अपने लास्ट वाले उसमें देखना है, जब ता मुदवरा आएगा तो आपने कर देना है उसको तकूनु, और जब ता मुदवरा नहीं आएगा तो आप सिंपल उसको कर देंगे यकूनु। अब आप उनसे कहेंगे कि यहाँ पर हमें कहाँ पता चलेगा कि ता मुदवरा कहाँ आई हुई है और कहाँ पर नहीं आई हुई, तो इस चीज़ को आप देखें, अब जिन सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर आप देखें यहाँ पर जितने भी है, अब जब यहाँ शारे था तो हमने यकूनु किया, शम्स था तो हमने यकूनु किया, हदाइक पे हम लोग क्या करेंगे तकूनु, उस टाइम मैंने तकूनु नहीं कहा था लेकिन हदाइक क्योंकि ये जो हारा है जमा आ रही है तो इस वजह से हम लोग प्लूरल के अंदर यहाँ पे जमीलतुन एक नॉन लिविंग थिंग है तो इस चक्कर के अंदर, और रियाज़ियतु तामुदवरा इसमें सिंपल आपके सामने है
किरातु में भी ता मुदवरा है, जमीलतुन यहाँ पे आई है, तो दिस इज़ द रीज़न बिकॉज दैट्स वाई वी हैव पुट तकूनु इन इट, तो तकूनु हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, अजब 9 एक्सरसाइज। अब हमने क्वेश्चन के आंसर करने हैं और ये बहुत मज़े के हैं, सो लेट्स स्टार्ट इट। कम यौमन फिल उस्बूई, सो हाउ मेनी डेज वी हैव इन अ वीक, तो कितने हमारे पास दिन होते हैं। कम यौमन, हाउ मेनी डेज आर इन द वीक, एक उस्बू में मीन्स के एक वीक में कितने होते हैं, तो सबआ मीन्स सेवन, आप लिख दें सेवन। मैं सिर्फ इसका आपको और ये आंसर बताऊंगी, आप सिर्फ इसको नोट डाउन कर लें, सेवन सात जिसको कहते हैं सबआ। आसानी उसकुर अयामल उस्बू, यू हैव टू मैंशन नेम्स ऑफ वीक, तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के एक दफ़ा बता दूँ, या आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं। वैसे चले मैं बता देती हूँ, यौमुल अहद संडे, यौमुल अहद संडे, उसके बाद है यौमुल इस्नैन, इस्नैन यौमुल इस्नैन मीन्स मंडे। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, यौमुल अहद, यौम आप स्टार्टिंग में लिख दें, उसके बाद यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलासा, उसके बाद ये है ट्यूसडे, बादहु यौमुल अरबिया, बादहु यौमुल खमीस, बादहु यौमुल जुम्मा, व बादहु यौमुल सब्त, यौमुल सब्त। तो ये हमारे हो गए वीक डेज ऑफ द वीक। الآن السؤال الثالث، في أي يوم من العطلة الأسبوعية في بلدك؟ कि आपके कंट्री में कौन सा, बलद मीन्स कंट्री, इन योर कंट्री व्हिच इज़ द वीकेंड, लाइक वीक डेज, वीकेंड्स पे, सॉरी वीक डेज नहीं वीकेंड्स, यौमुल उतला कहते हैं वीक डेज को, अगेन वीकेंड को, यौमुल उतला थी वीकेंड को कहते हैं। तो कौन कौन से, यौमुल जुमा व यौमुल सब्त, इन सऊदी इट इज़ यौमुल सब्त व यौमुल जुमा। सवाल रॉबे, कम उस्बू अन फिश शहर, एक मंथ में, शहर फिश शहर मीन्स हाउ मेनी वीक्स आर इन अ मंथ, कितने होते हैं हफ्ते एक महीने में, तो चार होते हैं, सो वी गोइंग टू राइट फोर, अरबा अरबा। नंबर फाइव इज कम यौमन फिश शहरी, कितने दिन होते हैं एक महीने में, हाउ मेनी डेज आर इन द इन अ मंथ, कितने दिन होते हैं, तो सलासीन थर्टी, आप नॉर्मली इसमें लिख सकते हैं थर्टी, कोई मसला नहीं है, आओ सलासून, आओ सलासीना, जस्ट वेट, सलासीना अयाम, सलासीन, ओके। बाद अल खामिस कम यौमन फि शहर, सलासीन। सादिस कम शहरन फि सना, अलान कम शहरन, हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ ईयर, कि एक साल में, साल में कितने महीने होते हैं, तो ट्वेल्व, इसनाशर, इसना आशर मीन्स ट्वेल्व, इसना आशर ट्वेल्व। बादहु कैफ तआरुफुल वक्त, अलान अयु सवाल हो बाकी सब, आ कम यौमन फिस सना, अलान कम यौमन, हाउ मेनी डेज आर इन अ ईयर, अब कितने दिन होता है, 365। الآن السؤال السابع سوري سامن 81، كيف تعرف الوقت، how we know the time، هم لوكو time وہ کیسے پتہ چلا، من الساعة، from the clock، من الساعة، نحن نعرف الوقت من الساعة، هم لوك time کس طرح پہچانتے ہیں، گھڑی سے. الآن لماذا يجب علينا أن نحافظ على الوقت، کہ کیوں ضروری ہے، why it is important for us to follow the time table، کہ ہمارے لئے کیوں important ہے time کو follow کرنا، लिमाजा हुआ ज़रूरी, हुआ ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। अना सवाल आशिर मा माना अलवक्तु मिन अज़्ज़हब, अलवक्तु मिन अज़्ज़हब माना अलवक्तु तदूरु दून अलवकूफ़ वहुवा ला यंतज़र, मीन्स अलवक्तु मिन अज़्ज़हब के वक्त भाग रहा है,
तो टाइम इज रनिंग आउट, आप कह सकते हैं कि टाइम गुजर रहा है जल्दी से, तो इसका क्या मतलब है अल वक्त मिन अज़्ज़हाब? इसका अरबिक में हम कहते हैं अल वक्त तदूरु, तदूरु वी हैव रीड इन दिस चैप्टर कि तदूरु चल रहा है जल्दी से, तदूरु घूम रहा है, दून अल वुकूफ यानी किसी भी स्टॉप के विदाउट एनी स्टॉप चल रहा है, घूम रहा है, वला यंतज़िर लि अहद एंड इट इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, ला यंतज़िरु इट इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, ला यंतज़िरु लि अहद वलिहाज़ा ला तज़िउ वक्तना, इस वजह से हम लोग उसको जाया ना करें, वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, ला तज़िउ वक्तना। और इसी सेम का आंसर आई थिंक मैंने ऊपर कभी नहीं दिया, मेरे अभी जहन में आया कि ऊपर का आंसर नहीं दिया, लिमाज़ा यजिबु मैंने स्टॉप कर दी थी वीडियो, तो ऊपर का भी सेम यही आंसर है, अल वक्त तदूरा दून अल वुकूफ वलुहा वलिहाज़ा हुवा ला यंतज़िर लि अहद, ला यंतज़िर लकी ला यंतज़िर लि वलिहाज़ा नहनु नुरीदु अन नुहाफिज़ वक्तना वला नज़िउ वक्तना, हम लोग अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, ला नज़िउ वक्तना, हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। Now we are going to do this exercise aur sumud daira hawl tis'a min al kalimat al dalla ala al waqt, to hum log ab circle karna hai, we are going to circle the words in it, to hum log dekhte hain, acha yahan pe unhone kaha 9 hawl tis'a min al kalimat al dalla ala al waqt, tayyab ab yahan par first hum log check karte hain kaun kaun sa ban raha hai, to ek ban raha hai ams हमजा मीम सीन, ये हमजा मीम और सीन अम्सुन, अम्स मीन्स यस्टरडे, एक वर्ड बन रहा है इसमें उस्बू, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ये वाला उस्बू मीन्स वीक हफ्ता, अदर वर्ड इज नहार, नहार मीन्स डे टाइम, अन्नहारु डे टाइम, अल्लैलु नाइट टाइम, लैल, नेक्स्ट इज साअतुन, साअ मीन्स वॉच ओ क्लॉक, साअ किस तरह है, साअतुन साअतुन, नेक्स्ट वर्ड इज शहर, शहरुन, शहरुन मीन्स मंथ, महीना, ऑप्शन के 9 वर्ड्स हो गए होंगे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बा उक्तुब कलिमात हुना, नाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑल दीज वर्ड्स व्हिच यू हैव फाइंड इन दिस, आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं 9 के 9 वर्ड्स, अगर कोई नहीं मिला तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो फाइंड आउट करके बता दूंगी। अलान जीम इमला इल फिराक बि कलिमतिन मिन अल कलिमात अस्साबिका, अब जो पहले हमने यू हैव टू फिल ऑल दीज ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स वी हैव यूज्ड बिफोर, जो हमने पहले यूज किया कलिमात अस्साबिका जो पहले इस्तेमाल कर चुके उससे आपने इनको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वर्ड है यतकवनुल यौम मिन फिराक वल फिराक, द डे इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कंसिस्ट ये तक बनो यानी कंसिस्ट होता है दो चीज़ों का, दिन किसका, अन्नहार वल्लैलु रात और दिन का, अल्लैलु वन्नहार, नेक्स्ट इज फी फिराक अरबाउ व इशरूना, ये चाहिए फिल यौमी अरबा व इशरूना साआ, कि एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24, we have 24 hours in a day, तो आपने लिखना है फिल यौम और आखिर में साआ, طيب الثالث فراق في 30 يوما وفي الساعة 60 اي شيء, अब ये कह रहे हैं في الشهر 30 يوما in a month we have 30 days, في الشهر 30 डेज 30 दिन होते हैं, वफिस साआती और एक घंटे में कितना, सितूना सिक्स, सितूना दकाइक, दकीकतन, तैयब मिनट्स को कहते हैं। ओके बाद हु अल उस्बू सबअतु अय्यामिन फिल उस्बू, अल उस्बू
मुमकिन हो तो कुल फिल उस सब आतो अयामिन 7 दिन होते हैं, किस चीज़ में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं, तो अल उज़्बू लिसब आती अयामिन ये होना चाहिए था। अगर कुछ और आता है इफ़ यू नो अदर वर्ड टू पुट इन हेयर तो आप इजीली लगा सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। तो ये बलन हामिस अल यौम अयौमुल सुलसा। सो नाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑल द वीक डेज इन हेयर। यौमुल सुलसा, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा व कुल्लू। अल यौमुल सुलसा ये गलत है, यौमुल सुलसा अल यहाँ से हटा देगा, यौमुल सुलसा, यौमुल इस्नैन, यौमुल खमीस, इस तरह। तो ये बादहु अस्सादिस सौफा अकाबिलुका फी फिराक अल फिराक इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मीट यू इंशाल्लाह। कब? सौफा अकाबिलुका आई एम गोइंग टू मीट यू फिशिता फिसैफिल खरीफ, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर रबिया, आप कोई भी सीजन का नाम लिख सकते हैं, कोई भी, फी फिनहार दिन में, फिल लैल रात में, कुछ भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस तरह करके यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको कुछ ना यहाँ पे समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसके साथ ही इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट चैप्टर है, इंशाल्लाह वो आप देखना ना भूलिएगा। इसके साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मा सलामा।